आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। मतदान हेतु मतदान दल रवाना हुए मतदान केंद्रों की ओर। कल 13 मई को होगा मतदान। कलेक्टर व एसपी ने की सबसे मतदान की अपील। खेतिया बड़वानी जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में पानसेमल विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों तक मतदान दल रवाना हुआ। मतदान हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय पानसेमल में सुबह से ही मतदान दलों को सामग्री देकर रवाना करने का कार्य प्रारंभ हुआ, जो दोपहर तक लगभग पूर्ण हो गया। इस दौरान वहां उपस्थित बड़वानी जिला कलेक्टर राहुल फटिंग के अनुसार मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों पर समयानुसार पहुंचने वाले हैं। मतदान केंद्रों पर पीने के पानी, छाया हेतु टेंट आदि की व्यवस्थाएं कर ली गई। जिला कलेक्टर बड़वानी डॉक्टर राहुल फटिंग ने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। मतदान और मतदान केंद्रों हेतु सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर बड़वानी पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत भी पानसेमल पहुंचे। उन्होंने मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए कहा, मतदान केंद्र पर मोबाइल नहीं ले जाएं, ऐसा पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पानसेमल के अटल बिहारी शासकीय महाविद्यालय में एसडीएम रमेश चंद्र सिसोदिया, जनपद पंचायत सीओ महेश पाटीदार, एसडीओपी आयुष अलावा सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारी व बड़ी संख्या में पुलिस बल उपस्थित था। खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, दिनांक 13 मई को पूरे जिले में मतदान होना है। अतः आज 12 तारीख को सामग्री वितरण जो है लगभग सभी जगह से पूर्ण हो चुका है। जिले में जो है बड़वानी, सेनवा, पानसेमल तथा राजपुर से सामग्री वितरण होता है तो कंप्लीट हो गया है और लगभग सभी जगह से बसेस भी रवाना हो चुकी है लगभग 90%, और आशा है कि ये शाम तक पहुँच जाएंगी। सभी पोलिंग बूथ पर छाया, गर्मी के हिसाब से पेयजल की व्यवस्था, व्हीलचेयर की व्यवस्था दिव्यांग हेतु तथा अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं कंप्लीट है। मैं सभी जिलों वासियों से अपील करता हूं कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करेंगे तथा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान करेंगे। धन्यवाद। कल 13 मई को लोकसभा चुनाव आयोजित होना है और इस संबंध में आज मतदान केंद्रों पर पुलिस बल और मतदान करवाने वाली पार्टियां रवाना हुई है। चारों विधानसभाओं में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाए गए थे, जिनका निरीक्षण मेरे द्वारा किया जा रहा है। अभी मैं पानसेमल में जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहां पर मौजूद हूँ। सारी पार्टियां हमारी चुनाव करवाने के लिए रवाना हो चुकी है। ज़िले में कानून व्यवस्था की स्थिति चाक चौबंद है और अलग अलग लेवल पर हम लगातार समीक्षा करते रहेंगे। मतदान केंद्रों पर पुलिस बल मुस्तैदी से ड्यूटी करेगा। इसके अलावा हमारी सेक्टर पुलिस मोबाइल लगातार भ्रमण में रहेगी। QRTs हमारी 15 पूरे ज़िले में लगातार भ्रमण करेगी। इसके अलावा 5 हमारी जोनल पुलिस मोबाइल भी भ्रमण करेगी और उसके अलावा पुलिस के सभी आला अधिकारी भी इंक्लूडिंग में हम लगातार मॉनिटर इसको करते रहेंगे। तो सभी मतदाताओं से हमारी अपील है, शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद है, तो निर्भीक होकर और बिना किसी प्रभाव के आप मतदान केंद्रों पर जाएं। या मतदान आपका संवैधानिक अधिकार है तो इसका पूरा प्रयोग करें। एक चीज़ बड़वानी पुलिस सभी मतदाताओं से अपील करना चाहती है कि मतदान केंद्रों पर मोबाइल फ़ोन पूर्णतः वर्जित हैं। किसी भी स्थिति में मतदान केंद्रों के भीतर अपना मोबाइल लेकर नहीं जाएं। यदि ऐसा कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो हम आपके माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं कि जब आप मतदान करने जाएं तो मोबाइल अपना लेकर नहीं जाएं। थैंक यू।